हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज अमित। मेरा साइबरम चैनल में आपका स्वागत है। ये सी प्रोग्राम वीडियो का चौथा नंबर वीडियो है। तो मैं ये चौथा नंबर वीडियो में आपको दिखाऊंगा फारेनहाइट से सेल्सियस कैसे कन्वर्ट करता है बाय यूजिंग सी प्रोग्राम। तो मैं ये प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर बताता हूँ। तो मैं एक यूजर से इनपुट लूँगा फारेनहाइट से, टेम्परेचर का जो फारेनहाइट यूनिट है वहाँ से मैं यूजर का इनपुट लूँगा और मैं आउटपुट दिखाऊंगा सेल्सियस के अंदर। ओके, तो यह है बेसिक प्रोग्राम। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये प्रोग्राम करता है फारेनहाइट से सेल्सियस कन्वर्ट करने के लिए। तो मैं एक सी प्रोग्राम हैज इनपुट, ये stdio.h हैज इनपुट क्या है ये पहला वीडियो में बता चुका हूँ, आप अगर पहला वीडियो चेक कर लेना। उसके बाद मैं एक मेन फंक्शन डिक्लेयर कर देता हूँ, मेन फंक्शन मैंने डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। देखिए, टेम्परेचर तो आप इंटीजर में भी हो सकता है, फ्लोटिंग में हो सकता है। तो मैं यहाँ पर फ्लोटिंग देना बहुत अच्छे की बात है। तो मैं यहाँ पर फ्लोट सेंड दे देता हूँ और फार देता हूँ। ये सेंड और फार मतलब एक दो वेरिएबल, फ्लोटिंग वेरिएबल मैंने पकड़ लिया। तो एट फर्स्ट मुझे यूजर से इनपुट देना है फारेनहाइट। एट फर्स्ट मुझे यूजर से इनपुट क्या देना है फारेनहाइट जो टेम्परेचर है, यूजर से मुझे इनपुट देना है। तो मैं यहाँ पर प्रिंट टेप कर देता हूँ। ये प्रिंट टेप क्या है ये पहले वीडियो में बता चुका हूँ। प्रिंट टेप एंटर द फारेनहाइट टेम्परेचर, मैं यूजर को बता रहा हूँ, आप फारेनहाइट का टेम्परेचर बताइए। तो उसके बाद वो बताएगा, तो मैं उस वैल्यू को स्कैन कर लूँगा परसेंटेज एफ और फार में स्टोर हो जाएगा, नहीं एड्रेस ऑफ फार होगा, एड्रेस ऑफ फार में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद मैं कैलकुलेशन करूँगा फारेनहाइट को सेल्सियस। तो वो बना सूत्र आपको तो याद है, सेल्सियस इज इक्वल टू 5 इंटू फार माइनस 32 बाई 9। ये वाला आपको नौ तो जरूर याद है। इसको मैं एक ब्रैकेट के अंदर ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। मगर समझिए, ये वाला जो प्रोग्राम है, ये जो मैंने फंक्शन लिखा है, ये जो रिटर्न करेगा, ये रिटर्न सिर्फ इंटीजर करेगा, मुझे फ्लोटिंग नहीं रिटर्न कर सकता। मुझे ये वाला फ्लोटिंग नहीं रिटर्न कर सकता, तो इसीलिए मुझे ये टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा। तो टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं, टाइप कास्टिंग जस्ट पहले ब्रैकेट लगा के यहाँ पर लिख देता हूँ फ्लोट। तो ये टाइप कास्टिंग हो गया। टाइप कास्टिंग क्या होता है ये बुक में बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। तो ये टाइप कास्टिंग करके ये वाला जो वैल्यू है 5 × 4−32, ये वाला पैसे फ्लोट में कन्वर्ट होगा, उसके बाद उसके 9 से डिवाइड होगा। तो मैंने टाइप कास्टिंग कर लिया। उसके बाद मैं प्रिंट टेप कर देता हूँ, प्रिंट टेप द सेल्सियस। अगर कोई दिक्कत होगा समझने के लिए तो मुझे कमेंट करिए जरूर, और क्या क्या प्रोग्राम आपको चाहिए तो ज़रूर कमेंट करना, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। उसके बाद तो ये प्रोग्राम को मैं कंटिन्यू करता हूँ, स्टार्ट एफ, बस ये हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पर आर्गुमेंट पास कर देता हूँ सेल, बस, और रिटर्न कर देता हूँ क्योंकि ये मेन फंक्शन इंटीजर टाइप रिटर्न देगा, तो मैं यहाँ पर रिटर्न कर दिया, बस ये मेरा हो गया। यहाँ पर ये सेल्सियस बनाना थोड़ा रॉन्ग है, समझ लेना क्या। तो यहाँ पर स्टार देना पड़ेगा। तो मैंने स्टार जब दे दिया तो एंड द फारेनहाइट टेम्परेचर, सॉरी। तो यहाँ पर क्या दिक्कत है, यहाँ पर टाइप कास्टिंग तो मैं कर ही लेता हूँ, टाइप कास्टिंग करनी है तो ये मैंने क्रॉस, क्योंकि यहाँ पर ये जो स्टार मतलब मल्टीप्लाई मैंने नहीं किया था, तो ओके आप मैं कंपाइन कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने कंपाइन कर लिया। एंटर द फारेनहाइट टेम्परेचर, मैं सपोज फारेनहाइट 32 डिग्री मारता हूँ तो सेल्सियस टेम्परेचर 0। तो दिखाई आपको पता है, तो 32 डिग्री फारेनहाइट समान 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर और एक ट्राई करना चाहते हैं तो 212 डिग्री फारेनहाइट समान 100 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होता है देखता हूँ। तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ गया, अगर आपको दिखाई नहीं पड़ा है तो देखिए 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो इसी तरह आप बहुत सारे प्रोग्राम कर सकते हैं। ओके बाय, आज के लिए इतना ही, लेट्स गो।